हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन विद मी आशीष सरम। स्टैंडर्ड 10th के चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.3 यहां पे सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 के अंदर क्वेश्चन है कि p of x = x³ - 3x² + 5x - 3 एंड g of x हमें गिवन है x² - 2। अब हमें यहाँ पे उसको सिंपली डिवाइड करना है और हमें कोसेंट यानी कि फाइंड आउट क्या करना है, p of x क्या मिलेगा एंड r of x क्या मिलेगा, वो दो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो क्वेश्चन गिवन है p of x अंदर लिख देते हैं x³ - 3x² + 5x - 3 और यहाँ पे x² - 2। बहुत ध्यान से देखने किस तरह से करना है, एक्स स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब मिलेगा। तो सिंपल वन एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x² * x, तो पावर का क्या होगा एडिशन यानी कि एक्स क्यूब मिल जाएगा ना। तो यहाँ पे एक्स के साथ x² * x करेंगे तो एक्स क्यूब होगा -2 * x, तो क्या होगा -2x होगा। तो हमें क्या देखने का, जो 2x है वो किसके नीचे, एक्स स्क्वायर वाले के नीचे रख के कोई फायदा नहीं, हमें किस कहाँ पर रखना पड़ेगा, एक्स वाले के नीचे -2x होगा। क्या होगा इसको एग्जैक्टली जो सेम जैसे टर्म यानी कि लाइक और अनलाइक फैक्टर हम लोगों ने पढ़े होते, तो लाइक टर्म के नीचे ही लाइक टर्म रखने की है। अब यहाँ पे क्या होगा, साइन चेंज होगी, माइनस और प्लस, माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, x³ - x³ करोगे तो 0 बचेगा, 5x - +2x हो जाएगा क्योंकि साइन तो चेंज हो गए, तो 7x, ये -3x² ऊपर से नीचे आएगा और -3 वो भी नीचे आएगा, यहाँ पे प्लस की साइन, यहाँ पे -3। अब आपके पास x² ऑलरेडी है, -3 नहीं है, तो -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -3x², -2 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 2 = 6 + 6 हो जाएगा। साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे माइनस है वो माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस है यहाँ पे वो माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, ये 7x एज इट इज नीचे उतारेंगे और ये -3 - 6 क्या होगा -9। तो हमारे पास यहाँ पे q ऑफ x कोसेंट क्या मिल रहा है, x - 3 एंड r ऑफ x क्या मिल रहा है, 7x - 9। अब सेम तरीके का जो सेकेंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज का वो देखते हैं। p of x हमें गिवन है, p of x = x raised to 4 minus 3x² + 4x + 5 एंड जो g of x है, x² + 1 - x, ये हमारे पास क्या है, दो क्वेश्चन यानी कि p of x एंड g of x, इसको थोड़ा रिसेट करना पड़ेगा। रिसेट क्यों, क्योंकि x³ वाला यहाँ पे टर्म नहीं दिख रहा है, तो हम ऐसे लिखेंगे x⁴ + 0x³। p of x में लिखना है, g of x में लिखने की जरूरत नहीं है, तो p of x में x³ वाला टर्म नहीं है, तो 0x³ - 3x² + 4x + 5 एंड यहाँ पे g of x को भी रिसेट करके लिखेंगे, रीराइट करके x² - x + 1 और ये हमारा p of x। नाउ डिवाइड करके देख लेते हैं, अब कि यहाँ पे x³ - x + 1 और यहाँ पे क्या है x⁴ + 0x³ - 3x² + 4x + 5 है। x² को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो x⁴ मिलेगा, तो x² * x² करोगे तो 2 + 2 होगा यानी कि x 2 + 2 यानी कि क्या होगा x⁴ होगा। तो यहाँ पे x² को x² के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो x⁴ मिलेगा। अब माइनस एक्स को x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x² x³ हो जाएगा, x² यानी कि क्या होगा x³ होता है, तो x³ के नीचे x³ वाला लिखेंगे बट माइनस होगा क्यूब क्योंकि यहाँ पे माइनस की साइन है। 1 × x² करोगे तो क्या होगा x² 1 के आगे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस x³² होगा। अब क्या करने का,
सिंपल साइन चेंज, माइनस माइनस है वो प्लस, प्लस है वो माइनस। एक्स रेस टू फोर माइनस एक्स रेस टू फोर करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो जीरो ही है बट हमने सिर्फ सो का रखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस का प्लस होगा तो प्लस एक्स क्यूब, और यहाँ पे क्या है माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो माइनस फोर एक्स स्क्वायर हुआ। ऊपर से क्या आएगा फोर एक्स, नीचे आएगा नाउ। अब एक्स क्यूब लाने के लिए अब एक्स स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई कर, यहाँ पे साइन कैसे है प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो यहाँ पे आँख बंद करके पुट कर दो प्लस साइन। एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब बनाने के लिए, तो ए एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब बनाने के लिए हमने क्या किया, एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, तो एक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स यानी कि एक्स क्यूब होगा, माइनस एक्स इंटू प्लस एक्स, तो एक्स इंटू एक्स क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा, बट एक माइनस है तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर, और वन इंटू एक्स करोगे तो क्या होगा एक्स, साइन चेंज होगी, माइनस है वो प्लस हो जाएगा, प्लस है वो माइनस होगा, यहाँ पे प्लस है वो भी माइनस हो जाएगा। नाउ एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जीरो बचेगा, माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, फोर एक्स माइनस एक्स करोगे तो क्या होगा प्लस, बिगर नंबर की साइन कौन है, बिगर फोर है ना यहाँ पे, तो उसकी प्लस साइन, यहाँ पे माइनस फोर था बिग, तो वहाँ पे माइनस साइन पुट, यहाँ पे फोर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव। नाउ आपके पास एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, सिर्फ क्या नहीं है माइनस थ्री, तो आँख बंद करके माइनस थ्री ही पुट कर दो, बट यहाँ पे पुट करना हो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स इंटू माइनस थ्री तो माइनस माइनस प्लस थ्री एक्स, वन इंटू माइनस थ्री क्या होगा माइनस थ्री, माइनस एक्स इंटू प्लस एक्स करोगे तो क्या होगा सॉरी माइनस थ्री करोगे माइनस माइनस प्लस थ्री एक्स हो जाएगा। अब साइन चेंज करके यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस है वो माइनस होगा, माइनस है वो प्लस होगा, तो यहाँ पे माइनस थ्री एक्स स्क्वायर है, नीचे प्लस थ्री एक्स कैंसिल आउट, ऊपर प्लस थ्री एक्स नीचे माइनस थ्री एक्स कैंसिल आउट, फाइव प्लस थ्री क्या होगा एट। तो आपके पास क्यू ऑफ एक्स यानी कि कोशन क्या मिला, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री, और आर ऑफ एक्स है वो क्या मिला एट। अब हम जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपको सेल्फ प्रैक्टिस पे करना है, ठीक है, बाद में हम देखते हैं, आप पहले प्रैक्टिस करो और हम सॉल्यूशन देखते हैं वापस कैसा है हमारा सही है कि रॉन्ग, ठीक है। ओके अब हम वापस यहाँ पे क्वेश्चन थ्री का सॉल्यूशन देखते हैं, आई होप कि आप लोगों ने ट्राई किया होगा और अच्छे से ट्राई किया होगा। एक्स रेस टू फोर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, और यहाँ पे टू माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको हम पहले चेंज कर, तो माइनस एक्स स्क्वायर आगे आ जाएगा प्लस टू, और यहाँ पे एक्स रेस टू फोर प्लस जीरो एक्स क्यूब प्लस जीरो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स ए पी ऑफ एक्स। नाउ अब यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं हम डायरेक्टली उसको, एक्स रेस टू फोर प्लस जीरो एक्स क्यूब प्लस जीरो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। हमने एज्यूम की यहाँ पे कोई कई सारे टर्म ऐसे होंगे जिसका यूज नहीं भी हो सकता है, क्या जिसका यूज पॉसिबल नहीं होगा तो नहीं भी होगा, तो यहाँ पे ही ऐसा होगा आपको मिलेगा देखने के, माइनस एक्स रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो माइनस एक्स स्क्वायर को पहले तो एक्स स्क्वायर को एक्स रेस टू फोर बनाने के लिए किसके साथ एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस को प्लस करना है तो माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके तभी प्लस होगा ना, तो यहाँ पे एक्स रेस टू फोर आएगा। नाउ टू को मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर के साथ तो क्या होगा माइनस टू एक्स स्क्वायर होगा, और टू एक्स स्क्वायर के नीचे लिखना होगा। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर दो, माइनस और माइनस है और प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट, ये जीरो है तो जीरो को नहीं लिखेंगे तो चलेगा, ये तो जीरो ही है बट इंस्टेंट के टर्म में हमने लिखा था यहाँ पे जीरो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या था माइनस टू एक्स स्क्वायर था वो यहाँ पे प्लस हो गया, ओके तो टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, तो अब एक्स स्क्वायर तो हमारे पास है ही यहाँ पे, ओके बट यहाँ पे टू लाना है तो माइनस वन को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो टू आएगा, तो माइनस वन को माइनस टू के साथ मल्टीप्लाई करना तो टू एक्स स्क्वायर होगा, और टू टू जा क्या होगा फोर माइनस फोर, यहाँ पे माइनस माइनस है वो प्लस हो जाएगा, तो दोनों कैंसिल आउट, माइनस फाइव एक्स और प्लस सिक्स प्लस फाइव प्लस फोर यानी कि क्या होगा प्लस टेन होगा, तो आपका जो जीव आरोप क्यू ऑफ एक्स है वो क्या मिल रहा है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू, और जो आरोप एक्स है वो क्या मिल रहा है माइनस फाइव एक्स प्लस टेन। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर वीडियोज, और नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करेंगे, देख लेना। थैंक यू स्टूडेंट।